Hello you all and welcome to today's video. My name is Akanksha. I hope you all are doing great at home safe and sound. With all due respect, trust me, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी बट सिंस मुझे भी इसके बारे में कुछ डिटेल में समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि अब is the right time to make this video and let you all know about the cabin crew journey that I have been talking about in the past few videos. But also before that,

बट लास्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो से जो लास्ट वीडियो गया उसमें मैंने मैंशन किया था मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद मैंने फ्लाइंग एक गुड नोट में नहीं छोड़ी है एंड शायद एक दो साल में और फ्लाई करना चाहती हूँ एंड दैट इज वन रीजन दैट पुज मी टू गो फॉर द इंटरव्यू और ट्वेंटी सेवंथ ऑफ मे आप लोग को वीडियो देखा होगा कि मैं अपना एयर इंडिया के इंटरव्यू के लिए गई थी एंड आई हैड क्रैक दैट इंटरव्यू आइडल इट वॉज नॉट ऑन द ट्वेंटी सेवेंथ आई थिंक ट्वेंटी से ट्वेंटी फिफ्थ के बीच में कोई डेट होगा जिस दिन वो इंटरव्यू हुआ था एंड ट्वेंटी को मैंने वीडियो लाइव किया था आफ्टर एडिटिंग क्या बहुत समय से यहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे थे एंड दैट वॉज नॉट इन द प्लान Uh, मैं बहुत ही डाइसी हो रही थी कि मैंने एक रीजन से एविएशन छोड़ा है शुड आई ज्वाइन दैट एंड शुड आई नॉट घर पे भी डिस्कस किया तो अभिनीत तो फुल ऑन सपोर्ट पे था कि नहीं नहीं जो करना है तुम वो करो यू वांट टू फ्लाई यू फ्लाई यू डोंट वॉन्ट टू फ्लाई यू डोंट फ्लाई बट हाँ हेल्थ को अपना यू नो प्रायरटाइज करो एंड सी वॉट यू कैन डू बिकॉज इट्स योर बॉडी एंड देन यू विल अंडरस्टैंड योर बॉडी बेटर माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अभी भी मुझे बोलती है कि मत कर मत कर मत कर बिकॉज जब मेरा लास्ट टाइम फ्लाइंग के चक्कर में तबीयत खराब हुआ था तो वही थी जो मेरे पास में थी तो उसने मुझे बहुत बार टूटते हुए रोते हुए अपने पेन में से झुलझलाते हुए देखा है तो शीज़ लाइक कि तब तो मैं थी तेरे पास तेरा ख्याल रखने के लिए अब तुझे कुछ हो जाएगा तो फिर तू कैसे अपना ख्याल रख पाएगी बिकॉज अब नीत तो ऑफिस में रहेगा तू कैसे अपना पूरा दिन अपना ख्याल रखेगी एज अ पेरेंट आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम इट्स द केयर इन लव इन अफेक्शन दैट शी हैजुअर्ड्स मी एंड इज द रीजन शी डज नॉट वॉन्ट मी टू ज्वाइन एविएशन आई टोटली अग्री टू दैट बिकॉज अभी भी होता है की बीच बीच में अभी मैं कभी कभी मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयर ऐसा टाइम होता है कि मान लो मैंने आयरन कर लिया है कोई कपड़े और मैं क्योंकि मैं झुक के आयरन कर रही हूँ ना तो मैं बैक में पेन होने लग जाता है अभी भी कितने बार होता है बैठे बैठे पेन आता है बट कितने बार होता है कि नहीं भी आता है हा ना ना वाला टाइप का सिचुएशन है मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि शुड आई टेक दैट रिस्क ऑफ ज्वाइनिंग इट अगेन और मुझे फिर से अगर यू नो पेन आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी मैं अगर फिर से छोड़ूंगी क्योंकि मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बोला कि अगर मैं यूट्यूब पे नहीं होती तो मैं दस बार रिव्यूशन छोड़ती और दस बार रिव्यूशन ज्वाइन करती मैं किसी को कुछ भी बोलने के लिए लाइबल नहीं थी बिकॉज मैं जो भी कर रही हूँ वो किसको भी पता चल रहा है बट uh, यहाँ पे सिंस आई हैव ज्वाइंट हेयर एंड आई हैव अ यूट्यूब फैमिली हेयर तो जब मैंने छोड़ा तब भी बहुत लोगों के बहुत स्पेकुलेशन थे फिर जब मैंने अपना रीजन uh, बताया तब उन लोग का यू नो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ एंड बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे थे फिर अभी मुझे जब मैंने बोला कि मैं वापस से ज्वाइन करूंगी तो भी बहुत जन ने बोला कि तुम अब कोई रीजन से छोड़ी थी अब तुम फिर से क्यों ज्वाइन कर रही हो बट बहुत जन फिर भी सपोर्ट कर रहे थे बट अगर मैंने ज्वाइन करने के बाद अगर मैं नहीं चाहती ऐसा हो बट अगर ऐसा हो गया कि मुझे फिर से कोई मेडिकल प्रॉब्लम आया और मुझे उसके वजह से जॉब छोड़ना पड़ गया तो

एक्सपीरियंस्ड क्रू ही आए थे इंडिगो से और गो एयर से क्योंकि उस समय गो एयर बंद ही हुआ था फ्रेशर्स uh, का रेशियो और एक्सपीरियंस क्रू का रेशियो मतलब जमीन आसमान का फर्क था मेजोरिटी क्योंकि एक्सपीरियंस क्रू रहते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़े से ज्यादा ईजिली uh, अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं बिकॉज दे है ऑलरेडी बीन थ्रू दैट एंड सिंस दे हैव बीन वर्किंग वो एक कम्युनिकेशन uh, गैप जो है वो नहीं रहता है ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स नहीं हुए हैं बट मैं जिस बैच में थी उसमें मेरे आजू बाजू में थे सारे इंडिगो के दोस्त लोग भरे हुए थे

सो इफ दैट इज द केस वुड बी ग्रेट एंड लाइक या दैट मेक्स सेंस फॉर मी बिकॉज मेरे लिए दूसरे सिटी में जाने का कोई मतलब नहीं है अभिनीत डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद कि ठीक है दूसरे सिटी में रहो तो क्या ही दिक्कत है बट मुझे नहीं सही लगता मुझे ऐसा लगता है कि नाउ सिंस वी आर मैरिड बोत फर्स्ट शुड बी स्टेइंग इन द सेम सिटी इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू चेंज हिज जॉब बिकॉज ही इज बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई कैन आस्क माई कंपनी फॉर अ बेस एंड वी हैव अ हाउस हयर मतलब फिर दूसरे सिटी में जाके रहने का कोई मतलब नहीं है सो दैट इज

मे मतलब में बी एम आई में था मेरा बॉडी मार्क्स का चेक होता है वो सब था so पूरा आपका जो है, है जितना भी पार्ट आपका विजिबल रहेगा ना इट स्मूथ पहले सिर्फ एक ही मेडिकल राउंड होता था मे के टाइम पे इनका जो पूरा मैनेजमेंट है ना उस टाइम पे इनका पूरा मैनेजमेंट में शिफ्ट हो रहा था एंड द शिफ्ट ऑल्सो हैड न्यू चेंजेस जिसमें ये था कि यू हैव टू गो थ्रू टू मेडिकल राउंड्स वन वुड बी द मेडिकल राउंड जो कि हर एविएशन uh, इंडस्ट्री में होता ही है सेकेंड मेडिकल राउंड हैज टू बी हाइट वेट और ये सब चेक किया जाएगा और आपका फर्स्ट मेडिकल राउंड का जितना भी टेस्ट है और उसके साथ साथ कुछ कुछ और टेस्ट होंगे वो आपका uh, उसी समय इमिडिएटली आपसे क्वेश्चन आंसर करके आपसे पूछते हैं ठीक मेरा फर्स्ट मेडिकल हुआ था थर्टीथ ऑफ मे को फर्स्ट मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा थर्टीथ एक महीने में फर्स्ट मेडिकल का जो टेस्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा दैट ऑल्सो मीन्स की सेकेंड मेडिकल राउंड हैजू ऑल्सो भी कंडक्टेड विद इन वन मंथ ओनली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मेडिकल टेस्ट ये वाली बात मुझे नहीं पता थी कि एक महीना ही वैलिड रहेगा थर्टीथ ऑफ मे को मेरा इंटरव्यू एम सॉरी मेरा मेडिकल हो गया था एंड मैं सेकेंड मेडिकल राउंड के लिए वेट कर रही थी बीच में बात करते करते पता चला था मुझे कि नहीं एक महीने में ही आपका एक्सपायर हो जाता है और ये मुझे पता चला था पच्चीस छब्बीस जून को जिसका मतलब है, तीन चार दिन में मेरा मेडिकल एक्सपायर हो रहा था सिंस मुझे वहां से कोई भी अपडेट नहीं आया था चार्ट कॉलिंग द मेडिकल टीम एंड ट्राइंग टू फिगर आउट उस चक्कर में फिर यह पता चला कि सेकेंड मेडिकल राउंड के लिए यू विल है और मुंबई विच दे विल ओनली हैव टू स्केड्यूल एंड फिगर आउट मैंने बोला इतने शॉर्ट नोटिस में तो आई कान ट्रैवल और मैं इमीडियटली टिकट्स बुक करती तो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट की नहीं आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ डिफरेंट सिटी एंड देन गिव माई मेडिकल्स एंड मेन वाइल वहाँ से भी थोड़े थोड़े बीच बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे कि दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि मेरा मेडिकल uh, हुआ है या नहीं हुआ है मतलब मुझे कम से कम तीन चार बार फोन आया आफ्टर आई कॉल देम कि आपने दिया है बट हमारे पास तो कुछ है ही नहीं एंड देन इट वॉज अ मेमेंट शायद इधर उधर हो गया था बट उन्हें बाद में मिल गया फिर उन्हें बोला हम स्केड्यूल कर देते हैं बोला, आप जब अगर आप मुझे अभी अगले ही दिन के लिए स्कड्यूल करोगे दूसरे सिटी में तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा एंड आई डोंट थिंक आई एल बी रेडी फॉर इट सो उन्होंने फिर मुझे बोला ठीक है हम एक काम करते हैं हम आपका क्लास वन फिर से स्कड्यूल करेंगे एंड आई वॉज ओके विथ इट मे में दिया हुआ मेरा मेडिकल पूरा मे बीत गया था जून का शायद फिफ्टींथ सिक्सटींथ हो चुका था मुझे कोई मेल नहीं आया कुछ नहीं आया एंड उसके बाद फ्रेंड ऑफ हु स्टार्टेड वर्किंग एयर इंडिया एंड शी जस्ट रैंडमली मी कि भाई क्या सीन है मैंने कहा कि भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है पता नहीं क्या है बिकॉज मैंने जब लास्ट उनको कॉल किया था उन्होंने बोला प्लीज वेट वी विल कॉल यू तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है आई शुड वेट देन तो फिर उसने बोला कि नहीं मैं आपको एक मेल आईडी देती हूँ आप इस पर बात करो एंड दैट इज हाउ आई गॉट इन टच विद हायर अथॉरिटीज एंड देन दे टोल मी ठीक है वी आर री स्केडिंग यू फॉर योर क्लास वन मेडिकल्स अगेन तो फिर मैंने जून सत्रह को जून नहीं जुलाई जुलाई सत ऑगस्ट चल रहा है ना अभी हाँ तो जुलाई ट्वेंटी सेवन्थ के आसपास या ट्वेंटी सिक्स ऐसे कोई कोई डेट के आसपास मैंने अपना फर्स्ट मेडिकल राउंड फिर से दिया एंड द मेडिकल राउंड अगेन गॉट क्लियर एंड उसके मेरे ख्याल से एक डेढ़ हफ्ते में जिस दिन मैं गई थी एयरपोर्ट अपना मेडिकल देने के लिए Uh, उस दिन का वीडियो भी आया होगा आई थिंक लास्ट वीडियो शायद वही था लास्ट लास्ट वीडियो लास्ट टू लास्ट वीडियो वही था उस दिन फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू सेकंड मेडिकल राउंड हो गया था ना जब मैंने अपना फर्स्ट मेडिकल राउंड दिया था मे में आई वॉज इन माई बी एम आई एंड आई वॉज फाइन बट आफ्टर दैट आई स्टार्टड गेनिंग वेट एंड वेट भी ऐसा क्योंकि देखो मतलब देर आर मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस ए की um, Body movement, we stopped going uh, out for walks and we stopped working out, we stopped going to swimming, and that is also because we started a new venture currently, and we had to give a lot of time to that. एंड विथ रिगार्ड्स टू दिस ये होने लग गया कि हमारा जो स्लीप साइकिल है हमारा फूड साइकिल है हम, हमने बहुत कुछ हेम्पर भी कर दिया uh, जहाँ हम एक तरफ एक बहुत ही अच्छा चीज अभी बिल्ड करने में लगे हुए हैं एंड वी रियली वॉन्टेड दिस टू वर्कआउट एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग करेंटली ट्राइंग टू फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल वे दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टूअर्ड्स दिसवेंचर हमारा स्लीप साइकिल ऑब्वियसली बहुत खराब हो गया कितने दिन हो रहा था कि हम तीन चार पांच बजे सुबह सो रहे हैं और फिर सुबह ही उठ रहे हैं नौ दस बजे तो मतलब नींद मेरी हमारी ढंग से नहीं हो रही थी ऑब्वियसली आप इतना लेट उठ रहे हो फिर उसके बाद आप फिर से काम पे लग जा रहे थे तो हमारा ब्रेकफास्ट कितने बार पुआ है कितने बार लंच स्किप हुआ है कितने बार डिनर स्किप हुआ है और मान लो कि स्किप नहीं हो रहे तो हमारा खाना बाहर से आ रहा है इतना भी टाइम नहीं हो रहा था कि मैं घर पे बैठ के खाना बना लू और उसके साथ साथ घर भी इतना मैस हुए जा रहा था बिकॉज इनिशियल जब टाइम था ना इसको लॉन्च करने का तब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी टू ट्राई अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर सिंस आई हैव बीन यू नो मेकिंग वीडियोस आई एम अ यूट्यूबर एंड देन यू नो एविएशन रिलेटेड स्टफ तो ऑब्वियसली इस फील्ड में मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं था एंड दैट इज वॉट वी आई हैड टू ऑल्सो फिगर आउट धीरे धीरे तो आई वॉज ऑल्सो वेरी स्लो विद माई वर्क ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स मेरे को रील्स बनाना तो मेरे लिए बहुत सारा काम ऑलरेडी लाइंड अप था Uh, इस चक्कर में ऑब्वियसली uh, हमारा फिजिकल वर्कआउट कुछ नहीं हो रहा था हमारा खाना मतलब तहस नहस हो गया था हमारा साइकिल खत्म हो गया था एंड मैं बहुत खा दूँ तो जब ऐसा भी नहीं कि जब मेरे पास खाना आता है तो मैं बहुत लिमिटेड खाती हूँ मुझे पता नहीं क्यों हर दो घंटे में भूख लगती है सो आई कीप ईटिंग कीप मंचिंग एंड या दैट्स हाउ आई हैव जस्ट गेन माई वेट सो जिस दिन मैं अपना क्लास टू मेडिकल्स देने गई थी

कंटिन्यू सो करेंटली डॉक्टर डिसाइड कि तुम अपना वेट कम करो एंड उनको मेल कर देना इफ दे डोंट मेल यू तुम उन्हें मेल कर देना कि मैं चार वीक में वेट कम करके वापस आऊंगी एंड इफ नॉट सिंस इट्स अंडर ट्वेंटी फोर समथिंग आई एम अज्यूमिंग दैट दिल ऑल्सो डू इट फ्रॉम देयर एंड सो वेट टिल द टाइम यू डोंट गेट द मेल एंड दैट इज वॉट आई एम डूइंग करेंटली सो so, अभी मेरा वेट समिफ्टी नाइन पॉइंट सेवन एट में घूम रहा है एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक से आई विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग टू द स्विमिंग क्लासेज ट्राई टू रिड्यूस वेट मीन वाइल जस्ट लेट यू ऑल नो देर इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू उसका अभी मैं अच्छे से डिस्किलेवर नहीं दूंगी वो हो गया तो जरूर से बता दूंगी कि भाई ये चीज हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि बिना किसी चीज को किए उसके बारे में बोलने से ना मुझे सही नहीं लगता मुझे लगता है एक बार अचीव कर लो उसके बाद बताओ तब लोग तुमसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे एक और चीज अभी लाइंड अप भी है वो हो गया तब तो बहुत ही बढ़िया बट फिलहाल के लिए दिस इज वॉट द सिचुएशन इज ऑफ माई कैबिन क्रू जर्नी विद एयर इंडिया आई डोंट नो इफ आई विल गेट अ कॉल और नॉट बट आई विल पुट अ मेल फ्रॉम माई एंड जाने के बाद भी देर आर फ्यू इफ्स एंड बट्स की अगर मुझे बैंग्लोर बेस नहीं मिला तो शायद आई विल नॉट यू नो बी कम्फर्टेबल इन फ्लाइंग फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी उस टाइम सही था बिकॉज हम यू नो सिंगल थे एज इन बैचलर्स थे तो आप दूसरे सिटी में रहो सही लगता है अभी भी बहुत सारे क्रू हैं जो मैरिड हैं और अलग अलग सिटी में रहते हैं दैट इज़ ओके फॉर देम बट मेरे लिए ओके okay नहीं है मुझे नहीं रहना दूसरे सिटी में मुझे बैंगलोर में ही रहना है एंड मुझे उम्मीद के साथ ही रहना है सो माई प्रायरिटीज आर लिटिल डिफरेंट

एंड uh, अभी कुछ एक हफ्ता हो चुका है मुझे एक हफ्ता नहीं हुआ है तीन चार दिन हुआ है um, डाइट में बहुत ज्यादा कंट्रोल है खाने का टाइमिंग पे हम लोग ने बहुत चेंजेस किए हैं एंड या दिस इज इट फॉर टुडे आई होप आई हैव मेड ऑल माय पॉइंट्स क्लियर एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट ऑल हैपेंड एंड क्या है क्या नहीं है क्या मैं सोच रही हूँ क्या नहीं सोच रही हूँ सब so, मैंने बता दिया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ येल्फ टिल देन बाय बाय। नमस्ते जय हिंद